डिग्गी कल्याण जी की तीर्थ यात्रा रविवार को जयपुर के तारकेश्वर मंदिर से शुरू हो गई है। ये परंपरा स्थानीय निवासी रामेश्वर लाल शर्मा ने बेटे की चाहत पूरी करने के लिए 59 साल पहले शुरू की थी। सर, ये मेरे परदादा श्री रामेश्वर लाल जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था, जो कि आज इस यात्रा को पूरे 59 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये यात्रा पौत्र प्राप्ति के लिए शुरू की गई थी, जिसकी यात्रा को आज 59 साल हो गए हैं। मेरे दादाजी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बहन के बच्चे को गोद लिया था, जिसको जो आज श्री जी शर्मा जी हुए हैं इस यात्रा को प्रारंभ करते ही। और आज इस यात्रा को पूरे 59 साल हो चुके हैं और हर वर्ष की भांति हर साल ये यात्रा प्रारंभ होती है। धार्मिक भजनों और भक्ति गीतों के बीच हजारों लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। ये कल्याण धनी की ये परंपरागत जो धार्मिक यात्रा है, ये हर बार यहाँ से तारकेश्वर जी के मंदिर से रवाना होती है और कल्याण धनी के यहाँ पहुँचती है। और आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में ये रवाना हो रही है यात्रा। मैं सभी यात्रियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कल्याण धनी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सबकी मनोकामना पूरी करे। 15 अगस्त को टोंक के डिग्गी कल्याण मंदिर में तीर्थ यात्रा खत्म होगी। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।